बैतरणी नदीर उपर मुंडरु बन्या जल ह्रास पाउथिले मध्ये तळ मुंडरे अर्थात चांदवाली ब्लॉक रो आरडी सुंदरपुर ओळग नंदपुर तेहुळीडी भूईवृत्ति माधवपुर घटपुर एही आठटी पंचायत रे बढ़ी दुर्दशा। हजार हजार हेक्टर जमी संपूर्ण जलमग्न होबा सह बहु गाम को यातायात संपूर्ण विच्छिन्न होइछि। लोकमाने जलबंदी होई रहिबा सह जीवा आसिया पई प्रमुख सहारा पलटिछि हुली डंगा। चाष जमी संपूर्ण जलमग्न होई रहिबा फळरे गृहपालित पशु मध्य उपास रे अछन्ति। तुरंत जलबंदी परिवार गुडी को रिलीफ जगाई देबा सह गृहपालित पशु मानक पई गोखाद्य जगा देबा पई दाबी करछन्ति साधारण लोके। तेबे चांदवाली ब्लॉक रो जलदेश कहा जाउथबा एही आठटी पंचायत रो अधिकांश लोके मुख्यतः कृषि उपर निर्भर करी चलथांति। हेले वर्तमान चाष समय होइथिया बेले धान बिलरे लहड़ी मारुछि 5-6 फुट रो बन्या जल जहाँ वर्तमान चाषी होइ पड़छन्ति हताश। तेबे प्रशासनिक अधिकारी तहसीलदार सुशांत सुतार बीडीओ ज्योति प्रकाश दास चांदवाली ब्लॉक रो बन्या जल रे बंदी होइथिया विभिन्न गांव गुडी को गस्त करबा सह स्थानीय लोकमानक सह आलोचना करछन्ती। तेबे बन्या न कमिबा पर्यंत जलबंदी लोकमानक प्रशासन तरफ रिलीफ एवं गोखाद्य जोगा देबा पई घोषणा मध्ये करा जायछि। जिलापाल सिद्धेश्वर बलिराम चांदवाली रे पहुंचि बन्याचल ग्रस्त करबा सह समीक्षा करी प्रशासनिक अधिकारी मानक सह आलोचना मध्ये करछन्ती। तेबे आवश्यक पड़िले लोकमानक सुरक्षित स्थान को स्थानांतरण करा जिबा सह बन्यार साप भय रहुथवारु डाक्तरी टीम दरकार पड़िले पठा जिवो। सेहिपरि ओड्राफ टीम मध्ये बन्याचल रे नियोजित थिबा प्रकाश करछन्ती प्रशासनिक अधिकारी। जिला परिषद रंजन साहू माधवपुर सरपंच विनोद दास गिरधारी दास मानस दास बीजेपी नेता मीनकेतन विश्वाल कांग्रेस नेता मनोज विश्वाल माधवपुर पंचायत बन्या विपन्न परिवार को भेटी समवेदना जनाइछन्ती। सेहिपरि युवा नेता प्रताप विश्वाल अमूल्य मल्लिक सुदाम पत्री अमूल्य विश्वाल प्रमुख तेंतुलीडीही और भूईवृत्ति पंचायत विभिन्न गाँव बुलवा सह लोकमान सह आलोचना करछन्ती। तबे तुरंत रिलीफ जगाई देबा सह कृषि ऋण संपूर्ण छाड़ करिया पई मध्य साधारण रे दाबी प्रकाश पाइछि। ए ब्लॉक रे पाखापाखि 8टा पंचायत बर्तमान एफेक्टेड होइछि एही बन्यारे। तो पाखापाखि से आरडी पटर 4टा पंचायत हमर उड़ग आरडी नंदपुर आ सुंदरपुर एपटर हमर 4टा पंचायत घटपुर माधवपुर भूईवृत्ति तेंतुलीडीह एवं खेरंगर आंशिक आमर सब बना बहुत बुड़ी जाइए लोक मैंने असुविधा अच्छा प्रशासन तरफ सजाग अच्छी सांगर भी ब्लॉक प्रशासन ठू आरंभ कर विडीओ तहसीलदार अच्छा बना पद देखी एवं जहाँ आम गवर्नमेंट तरफ रिलीफ हो कि शुखिला खाद्य हो बोटर आवश्यकता अच्छी जहाँ दरकार सब से व्यवस्था करें आहरी अनुदान कर देखु के लोक असुविधा अच्छे से अनुसार आम रिपोर्ट करा सहित प्रशासन को जन विषय कलेक्टर सहित कथी जहाँ हो पार तुरंत व्यवस्था कर आमर चांदवाल रे माने चांदवाली पर्सन ले आमर पाखापाखी एठी भूईवृत्ति आउ तेंतुलडी दीटा जीपी एवं सेपटे माधवपुर आउ घटपुर नालगुंडा तीनटा जीपी एवं आरडे आउ 4टा जीपी एमती भाव समग्र पानी हेछि। चाष जमी गुड़ाकर बहुत पानी हेछि बन्या पानी आसछि बन्या पानी आस्ते आस्ते छाड़िले चाष जमी रु पानी जीवो तेणु आम देखुल पा कमला आम क्षय क्षति आकलन करूँ। हाँ बन्या घर जो मैंने अच्छा जो जदि घर पा फा पशि जाए आम देखु तो बुले बुले सब देखु टीम करी जो पा घर अच्छी जिलापाल महोदय निर्देश देते शुखिला खाद्य और जदि दरकार पड़े रंधा खाद्य देवाई विडीओ से बाबद निष्पत्ति ने आम एठू जन दौचे जो जो असुविधा अच्छा ये आम पाखर अच्छे गोटे स्कूल अच्छी पा अधिक आसे आम सेल्टर हाउस हिसाब से व्यवहार कर। हाँ कलेक्टर सर गोटे मीटिंग नहीं से समस्त जो मैंने डाक्तर अच्छा क्यांप करने निर्देश देते भेटनारी निर्देश दिखाई जे जदि कौन अघटन घटे तुरंत किमें सेवा जोगे दि जाएँ समस्ते प्रस्तुत अच्छा। माधवपुर पंचायत रे बहुत जनकर घर केते गुड़ा गाँ भी विच्छिन्न होकर अच्छे पाणी घर अच्छे तेणु आम तीन ड्राई राशन जो रिलीफ्र व्यवस्था कर फ्री किचन भी करें आवश्यकता पड़ा आउ एनडीआरएफ टीम ए फायर सर्विसेस टीम पर रिक्वेशन दे बहुत जल्दी पहुँचे और मेनली जो विच्छिन्नाचल आइसोलेटेड घर सब कौटे रेस्क्यू एक्टिविटीज किए पा घर थे व्यवस्था कर तो आम मेडिकल टीम को भी कनसल्ट कराई जो जे जदि कहीं साप कामुड़े आक्रांत होमिडली कमी ट्रांसपोर्ट करते जल्दी हम हस्पिटा पहुँची पार से व्यवस्था कर। देखते बनार पिस्थित बड़ गंभीर अच्छी
ଏବଂ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଚାଷ ବହୁଳ ଜାଗା ଏଥିରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରବଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ 4 ଫୁଟ 5 ଫୁଟ ଲେଖା ବନ୍ୟା ଜଳ ପଶିଯାଇଛି ଚାଷ ଜମିରେ। ଏଥିରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଅତି ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ପରିଶ୍ରମ କରି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲେ ଆଜି ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଧୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରିବୁ, ଇଏ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ତାଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରଣ ପୋଷଣ ଦେଇହେବ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆପତ୍ତି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ରଖିବୁ। ଆଉ ବନ୍ୟାର ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଛି, ଇଏ ମିନିମମ୍ 5-7 ଦିନ ଲାଗିଯିବ ଏ ପାଣି କମିବା, କିନ୍ତୁ 5-7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କମିବା ନା ହିଁ ନେବନି ଏ ଯେଉଁ ପାଣି ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତେନ୍ତୁଳି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଖାପାଖି 150-200 ପରିବାର ଯେଉଁମାନେ ବିଲରେ ଘର କରି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଆସିବାର ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଜଳମଗ୍ନ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି, ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟ ଫୋନ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ଯଥାଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତନାଘନ କରିକି ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଏଇଟା ମାଧପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଅଣକାସାହି ଗ୍ରାମ। ଏଠି ଖାଲି ମାଧପୁର ନୁହଁ, ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକର 10ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଅବସ୍ଥା। ଦୀର୍ଘ 20 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ମେନ୍ ରୋଡ଼ରୁ ଯେଉଁ ଆପ୍ରୋଚିଂ ରୋଡ଼ ଅଛି, ସମସ୍ତ ଆପ୍ରୋଚିଂ ରୋଡ଼ରୁ 3-4 ଫୁଟ ଉପରେ ପାଣି ଚାଲିଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ମେନ୍ ରୋଡ଼କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଡଙ୍ଗାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ଅଣ୍ଟା ଉପରେ ପାଣିରେ ଗଡ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସାପର ମଧ୍ୟ ଭୟ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୌଣସି ରିଲିଫ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲାନି କି ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେନି। ଆଉ ଏବଂ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଦାବି କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ମାଧପୁର ଏ ଯେଉଁ ଜଳଦେଶ ଏରିଆ ରହିଲା, ଏଠି 3-4 ଦିନ ହେଲା ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ମାଡ଼ିଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଏଠି ଚାଷ ସରିଯାଇଥିଲା, ଆହୁରି ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେବାକୁ 10 ଦିନ ଲାଗିବ। ତେଣୁ 12-13 ଦିନ ଯଦି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ଯେଉଁ ରୁଆ ରହିବ ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାଷ ଉଜୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ଲୋକଙ୍କର ଏଠି ମେରୁଦଣ୍ଡ ହେଲା ଚାଷ। ତେଣୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ 100% କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ କରିବା ସହିତ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ରିଲିଫ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଯେଉଁ ଘରମାନଙ୍କର ପାଣି ପଶିଛି ସେଠି ଆସିକି କେମିତି ପଲିଥିନ୍ ଦିଆଯିବ କି ତାଙ୍କ ଉପରୁ କ'ଣ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ, ତୁରନ୍ତ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଷ୍ଟାର୍ ଟିଭି।